अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो पीएससी का पेपर हुआ है री खान डिवीजन का, उसके कुछ एमसीक्यूज हमें रिसीव हुए हैं, तो उनको सॉल्व करने चलते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ है वो है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि सारा गुड है मनी इफ शी बॉट डैश फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आता है इकोनॉमिकल। क्वेश्चन टू था कि फ्रॉम फोर्थ द फेटल लाइंस ऑफ दीज टू फोर्स, यानी ये जो वर्ड्स है सेंटेंस है ये किस इसकी एग्जाम्पल है। तो मेटाफर, सिमिली, इलिट्रेशन वगैरह मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें इलिट्रेशन करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, यू डोंट नीड टू गो फॉर वट यू वॉन्ट टू, तो ये था यू डोंट नीड टू गो फॉर वट यू वॉन्ट टू, तो यहाँ पे फॉर आता है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन था कि द ट्रैफिक वॉज बैड दैट इट टुक मी एजेस टू पुल आउट, फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी ये जो वर्ड को अंडरलाइन किया गया है इसके मीनिंग पूछे गए थे। तो पुल आउट का जो करेक्ट ऑप्शन था वो टू गेट आउट था। ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड बुक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस मांगा गया था। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होता है हिज सेकेंड बुक वॉज पब्लिश्ड बाई हिम ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चौथे क्वेश्चन में था कि ओतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ लगे थे, यानी ओतास में कितने कैदी, जब जंग हुई थी उसमें ओतास गाठी थी उसमें मुसलमानों के हाथ कितने कैदी लगे थे, तो ये 6,000 के करीब थे। अच्छा जी, मक्का मुकरमा में ज्यादातर गला कहाँ से आता था, तो ये यमन से था। ठीक है, यमन से आ रहा था। अच्छा जी, मैदान हश्र में हम का परचम किसके हाथ में होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, आपको अगर मिले तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा जी, फिर एक मैथ्स का क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन y+13 y+a = 0, तो आपने क्या करना था इसमें, y = 13 -13 और y = -a, दोनों वाई वाई के बराबर होंगे, -a = -13 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, a = 13 आंसर आएगा। अच्छा जी, इसको भी इसी तरह करना है, x+1 x-5, तो इसका आंसर था, इसका सोल्यूशन आ रहे थे -1 और 5, इसका आंसर -1 और 5। अच्छा जी, फिर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगा गया था। अब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac के फॉर्मूले में जब आप पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है 73। अच्छा जी, द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सैंड टू सीमेंट इज 4.8:2, इफ 6 kg ऑफ सैंड इज यूज्ड फाइंड द अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड, तो अमाउंट ऑफ सीमेंट मांगी गई थी रेशियो के प्रॉब्लम में। 12 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था 2.5 kg। अच्छा जी, फिर ये इक्वेशन दी गई थी और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे कि ये कौन, सॉरी, फ्रैक्शन दिया गया था, पूछा गया था कि इसमें कौन सा ये फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इम्प्रॉपर है क्योंकि दोनों के ऊपर और नीचे के डिग्रीज बराबर हैं। अच्छा, बाबर ने कितने साल इंडिया को रूल किया था, 4 साल रूल किया था इसने, 1526 से 1530 तक। अच्छा जी, द बिगेस्ट जीटी रोड जो कि शाहसूरी ने बनाया था, द बिगेस्ट जीटी रोड कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी रीचेस फ्रॉम पेशावर टू कोलकाता, और कोलकाता कहाँ पे है, बंगाल में है। अच्छा जी, द रीन ऑफ डैश इज सेड टू बी द गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्पायर, यानी किसके एम्पायर को, किसके दौर को गोल्डन पीरियड कहा जाता था, गोल्डन एरा कहा जाता था, तो ये शाहजहां का दौर था। अच्छा, फिर एक लफ्ज था जरक, उसके मीनिंग पूछे गए थे, तो इसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, अक्लमंद, इंटेलिजेंट। वर्ड यूरेश के किस चीज के मुतरादिफ है, वर्ड यूरेश जो है वो हमले के मुतरादिफ है, अटैक के मुतरादिफ है। क्वेश्चन 19, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, इस जुमले में इसम इसम मार्फा तलाश करें, तो इस जुमले में इसमें मार्फा कुरान मजीद था। द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेज बिटवीन, यानी एक एडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका साइज होता है 1300 to 1400 grams।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयर गैस, इसमें से कौन सी रेयर गैस नहीं है, क्रिप्टन, नियान, रेडान वगैरह, और उसके साथ ओजोन दिए गए थे, तो ओजोन जो है वो रेयर गैस में नहीं आती। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स देखा, तो प्रीफिक्स देखा की वैल्यू पूछी गई थी और जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो जो डी था नन ऑफ दिस वो करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा जी, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डॉग, यानी डॉग की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो तकरीबन 50 हर्ट्ज से लेकर 46,000 हर्ट्ज तक आती है, कहीं पे 67 से लेकर 46,000 या 45,000 तक आती है। अच्छा जी, रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, यानी रेनबो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट से प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी, वो असेसमेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट डिफिकल्टी इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी जो लर्निंग प्रोसेस में जो असेसमेंट डिफिकल्टी को फाइंड करता है उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। अच्छा जी, ये 25 क्वेश्चन हमें रिसीव हुए हैं, इसके अलावा हमें अगर और क्वेश्चन रिसीव होंगे तो काइंडली आप वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मजीद वीडियो भी अभी कुछ देर में अपलोड करेंगे। शुक्रिया।